अच्छा। नमस्कार, मैं अशोक शुक्ला माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको ले चलते हैं प्रयागराज हडिया, जहां बुजुर्ग दंपति चार दिन के बारिश में कच्चा मकान गिर जाने से प्लास्टिक का छत बनाकर रहने पर मजबूर। जी हां, प्रयागराज जिले के ब्लॉक धनुपुर के गांव शंकरपुर में रामद्वार पांडे, जो बुजुर्ग दंपति अपने परिवार के साथ खेती किसानी करके कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, बरसात में वह भी गिर गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से प्लास्टिक लगाकर बुजुर्ग दंपति अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुजुर्ग दंपति रामद्वार पांडे ने जिला अधिकारी प्रयागराज का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है। खास रिपोर्ट, विनोद पांडे, हडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हाँ बाबूजी, आपका क्या नाम है? रामदुलार। गांव का नाम? शंकरपुर। ब्लॉक? ब्लॉक धनुपुर। तहसील? हडिया। जिला? इलाहाबाद। जिला इलाहाबाद। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, बरसात होने से मकान गिर गया, बरसाती लगा कर के किसी सूरत से पड़े। अच्छा, प्रधान को बुलाए रहे? प्रधान आए थे। हाँ, कुछ आश्वासन दे है? हाँ, आश्वासन दे कि चले जाए। रात को रहने के लिए दिक्कत ज़्यादा है? बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खेती तैयारी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी मजदूरी यही करते हैं? हाँ, मजदूरी। अच्छा, तो आपको मकान गिर गया है, बहुत दिक्कत है रहने के लिए? बहुत दिक्कत है।